And in India, Badshah is number one and I'm number two. Who, according to you, is the hottest male singer in Bollywood? मैंने लिटरली पकड़ के उसने राइट स्वाइप करा, मैंने सबको राइट स्वाइप कर दिया. वो सिंगिंग लाइसेंस डू यू वांट टू बैन? बॉलीवुड बॉयकॉट कर देगा. मुझको बोले क्या करेगा आगे चल के मधुश मेरी धड़कने ख्वाब से ये सर फटे मेरा मन भी हंस के बोला वक्त जहाँ ले चले ये लड़खड़ाते पैर मेरे अब लगे हैं कूदने कितना कुछ दिल से लिख तो कम पड़ जाएंगे कागज ये बचपन से घातक हूँ मैं बचपन से पागल हूँ मैं बचपन से अब तक हसल करके हासिल किए अच्छे फसल. I think we are good for the masses, but not for the show. शायद इसके केस में और मेरे केस में वही था कि शायद हम खरे नहीं उतरे, हम हमारी वाइब में कुछ रहते हैं और चीजें हम अपने हिसाब से चीजें कुछ करना पसंद करते हैं. तो आई थिंक वो चीज लोगों को बहुत रिलेट कर गई एंड देन शो के उस पैरामिड स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं थी. ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, तुम कैसे करना चाहोगी? अच्छा भैया, हां, विशाल ददलानी, हां, तनिष्क बागची एंड टोनी कक्कर. अर्जित नंबर 1, हां, फैक्ट्स एंड स्टैट्स बोथ. जुबिन नंबर 2, नंबर 3 बादशाह एंड हनीफ. Thought I would be very interested in numbers. Haan. I used to think कि एक बार शो खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे को टॉप पे ही रहने मतलब मेरा ध्यान होगा हर वक्त कि पता नहीं कोई मेरे से आगे तो नहीं जा रहा, मेरे आसपास वाले तो नहीं मेरे से आगे जा रहे. वैसे मुझे लगा था कि मेरा बहुत ध्यान होगा, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा. You know, and in India, Badshah is number one. Yeah. In this urban music scene, hip hop scene, and everything, and I'm number two. Yeah. And I'm just like. म्यूजिक बनाना इट्स इंजीनियरिंग एंड मैजिक ऑल्सो. या यू नेवर नो कौन सी चीज कब बूम हो जाएगी. नंबर गेम इतना ही होना चाहिए और आपको इतना फोकस्ड होना चाहिए कि मेरा नंबर गेम कैसे अच्छा होगा, प्रेजेंटेबल होगा, ताकि कोई मुझे लाइक फनी बिजनेस ना ले. दोनों ही बहुत प्राइवेट लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं. Nice. और व्यूज के लिए कुछ क्यूट दिखा दिया अपनी मम्मी के साथ रील बना के, ये सारी शिट नहीं करते वो. और डिफरेंसेस यही है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अर्पण कुमार चंदेल किंग बन गया, यही डिफरेंस है. इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. रफ्तार भैया क्योंकि बहुत टाइम से मिला नहीं. किंग भैया नजर और आदर दोनों साथ में मिला दिया. किंग भैया बहुत हॉट. वेरी नाइस. किंग भैया इज़ सो हॉट. गॉड. Probably make another viral song with offbeat singing. अभी नेहा कक्कड़ ने गाया एक गाना फाल्गुनी पाठक दरबार. हाँ मुझे मेरे को बहुत पसंद है वो गाना फाल्गुनी पाठक और मैं सुनता हूँ अभी भी. एक आपकी कुछ में दूसरे के हाथ मसकली 2.0 हुआ था ना. आई थिंक सो. आई एम श्योर बिकॉज मोस्ट ऑफ मसकली 2.0 नहीं मेरे को जमा. और जब मैं सृष्टि से पहली बार मिला था ना मैंने इसको ऑडिशन में देखा और मेरे को आई यूज टू हेट दिस गर्ल. और मैंने बादशाह से बहुत मैंने कहा भाई नहीं, मैंने कहा भाई ये लड़की मेरे समझ नहीं आ रही भाई, ये प्रटेंड कर रही है, ये है नहीं जो बन रही है, ज्यादा सेवेज बन रही है. बट देन आई गॉट टू रियलाइज उसके बाद हर एपिसोड में मैं इसके लिए खड़ा हुआ हूँ बिकॉज शी डिजर्व. मैं हर बात का जवाब पोएट्री में दे देती हूँ. ये सब आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स थे ये सारे लड़के. यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है वहाँ पे लड़का चेंज ऐसा. नहीं अच्छा इट्स गुड यार. तो उसने बोला भाई एक काम कर तू टिंडर विंडर क्यों नहीं यूज करता. तो मैंने कहा यार मैं कहा मतलब मेरी नहीं है इन चीजों में किस्मत. नो लिमिट सबको राइट स्वाइप करती है. और तू देख भाई मैंने लिटरली पकड़ के उसने राइट स्वाइप करा, मैंने सबको राइट स्वाइप कर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ. फॉल्स Who according to you is on is the biggest? Let someone get the Grammy. Beards. Yes. Paisa kahan daba ke rakha hai? I am yet to do everything literally. Yeah. Yeah. So aisa nahi ki abhi sab ho gaya, abhi ek cheez baki hai. Mera to sab baki hai. I'm excited about my next project. That's coming and that's gonna be surprise. किंग और सृष्टि के साथ आगे और भी सवालों और जवाबों के सिलसिले जानने के लिए देखिए ओनली बाय इनवाइट. Amazon शॉपिंग ऐप के अंदर मिनी टीवी का बटन क्लिक करें और देखिए हमारा शो ओनली बाय इनवाइट बिल्कुल फ्री.